हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डे है और मैं आज जा रहा हूँ वापस घर। ठीक है, तो बहुत सामान फैला हुआ है, देखिए सब पैकिंग कर रहा हूँ। एक घंटे से मैं सब सामान समेट रहा हूँ, किसी तरह से सामान सपटे। कुछ कपड़े गीले भी हैं क्योंकि बारिश, आपको पता है 4 दिन से बारिश थी। तो चलिए जल्दी सामान पैक कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। अभी बज रहे हैं करीब 7:30 बज रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ 12 बजे से पहले घर पहुँच जाएँ। ठीक है, चलिए सामान पैक करते हैं जल्दी से। सब कुछ हो गया है। चलिए दोस्त, देखिए सामान बिल्कुल पैक हो चुका है, अब हम निकलेंगे सीधे बैक टू होम। ओके, तो 4 दिन कैसे रहे? बहुत मजा आया भाई, थोड़ा बारिश ने परेशान किया लेकिन बारिश का अपना मजा है। अभी खुला हुआ है, अभी 2 घंटे लगेंगे, शायद 2 से 3 घंटे लगेगा क्योंकि बारिश है और रास्ते में रुकना पड़ सकता है। ब्रेकफास्ट भी कहीं करना है, चाय वाय तो चलती रहेगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक चाय ली है, नहा के कुछ भी नहीं खाया। अच्छा थी लेकिन नहीं, जब चलना होता ना, जब कहीं जाना होता ना, फिर कहते निकलो यार, बस किसी ने कीमत पे निकलो। 25 किलोमीटर आ गया वापिस, पता नहीं चला यार। नाश्ता हो चुका है, या मैंने बोतल रखी थी जो निकल गई, पता नहीं चला मुझे कब निकली। इसको रख लेता हूँ कभी भी गिर ना जाए। ये मैंने ली है, देखो दिखाता हूँ आपको, कभी ट्रेन में मिलती थी, इसको बोलते लैम चूस। हम ये संतरे वाली, मैंगो, ये चटपटी और ये मिक्स है। बहुत दिन के बाद देखा मैंने, ले लिया। बैठने में लग रहा है। चलिए भाई, थोड़ी पेट पूजा हो गई, अब सीधा घर रुकेंगे। ठीक है, बीच में हम नहीं रुकेंगे कहीं भी। इतना हो गया कि घर तक भूख नहीं लगेगी, अब घर जाके लंच करेंगे। नहा चुके हैं लेकिन फिर नहाना पड़ेगा। टायर फटा, किसी का टायर फटा, एलईडी जला देते तो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा था। तो सामने से वो आ रहा था हाईवे पे, रॉन्ग साइड से आ रहा था। वाह यार, वाह क्या नज़ारा यार, ऐसा लग रहा किसी हॉलीवुड मूवी का कोई शूट वो हो, क्या हो समझ लो आप, है ना, हॉलीवुड मूवी का कोई सीन हो। देखो इतना खूबसूरत नज़ारा यार। मस्त रोड है बिल्कुल। देखो यार, पहुंचने वाले हैं अभी, बस 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे घर। फिर से अंधेरा सा होने लगा, पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ 11 नहीं बजे, इतना डार्क हो रहा है यार, कितने किलोमीटर हो रहा है यार। अच्छा बनाया गाँव वालों के लिए इधर से उधर जाने के लिए। ये है भाई साहब वो टोल जिसको हम पीछे बोल रहे थे, बिरहार वाला, मुझे पीछे गया वो तो बहुत पहले था यार। ये है असली टोल बिरहार वाला। गलत लाइन में आ गया था मैं, तो रोका जाएगा भाई। बाकी घर जाने की खुशी जो है ना डबल है उस दिन वापिस जाने से,
मुकाबले जाने के उस दिन वापिस जाने के मुकाबले। वारे वारे वाह, जैसे वसई फाटा जाएंगे आप तो वसई, आप जैसे रास्ता ये भी है वसई जाने के लिए, वहीं पर घर के बहुत नज़दीक हैं, इतने नज़दीक इतने नज़दीक से कुछ मत। कोई बात हुई क्या बोला पूछो ना जो हाँ अभी तो वहीं से आ रहा हूँ, वहीं से रहा हूँ। तो ये अपने एक जानने वाले थे सैनिक मनोज कुमार मौर्या जी। अब हम घर पहुंच गए चिंचोटी प्रेस द्वार। रास्ते अभी तक रास्ता खराब ही रहता है यार। ये ब्रिज आपने देखा होगा बहुत फिल्मों में, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये ब्रिज सब वो एरिया है क्राइम पेट्रोल वाला जहाँ शूट होता है। तो जंगल है सामने, वो जंगल का सीन। बारिश अच्छी हुई है भाई, देखो हमारे घर के पास भी रास्ते टूट गए, चार दिन में खराब हो गया सब मामला। तो दोस्तों ये था चार दिन का ट्रिप जो कि पूरा बारिश और तूफान के साथ गुजरा। मुझे मालूम है कि ब्लॉग में बहुत कमी रहेगी, बहुत चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कैमरे में, पॉसिबल ही नहीं था। तो अब जैसा भी है उसको एडिट करेंगे और मैं ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है ना। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने कि मौसम क्योंकि न्यूज़ में था कि मौसम ख़राब होने वाला है तो, लेकिन मैं नहीं माना। चलो कोई नहीं, आदमी गलती करके सीखता है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। बाकी आप देखो ब्लॉग जो मैंने बनाए हैं, कमी है मैं जानता हूँ बहुत कमी है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।